एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड ऑफ इंडिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थानी डिश दाल बाटी चूरमा, जो कई व्यूअर्स ने रिकमेंड किया है कि दाल बाटी चूरमा कैसे बनाई जाए वो बताई जाए। पहले मैं बना रही हूँ दाल, उसके लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन मूंग की दाल 1 कप और 1/4 कप चना दाल। इन दोनों को मिक्स करके मैंने आधा घंटे के लिए भिगो कर रखा है। अच्छी तरह से धोकर आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दी थी। अब ये गर्म पानी में डाल देंगे। पहले मैं हल्दी डाल देती हूँ, 1/2 स्पून हल्दी और 1 स्पून नमक। आप नमक आपके टेस्ट के अनुसार लीजिए। और इसे मैं गर्म पानी में डाल देती हूँ, जो साइड में गर्म पानी हो गया है मेरा। एक बार हला कर इसे गर्म पानी में डाल देती हूँ। पानी अच्छा बॉइल हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम ये दाल डालेंगे। इसे मैं सीटी नहीं ले रही हूँ, ऐसे ही कुकर में बॉईल कर रही हूँ। सीटी लेने से इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, और इस तरह से बॉईल करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप भी इसी तरह से दाल बनाइएगा। हमारी दाल हो जाए जब तक मैं साइड में आटा गूंद लेती हूँ। बाटी के डो के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए आटा। 2 कप आटे में हमें 2 टेबलस्पून घी डालना है। मैंने घी लिया है, आप भी घी लीजिएगा, घी से बहुत ही खस्ता बनेगी बाटी। और 2 टेबलस्पून दही लिया है, और 1 ग्लास मैंने लुकवॉर्म वाटर लिया है। लुकवॉर्म वाटर से बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब इसमें पहले मैं नमक डाल देती हूँ आटे में। नमक आप आपके टेस्ट के अनुसार डालिएगा। मैं सोडा नहीं डाल रही हूँ, कई लोग सोडा डालकर बनाते हैं बाटी। इसमें मोयन डाल देती हूँ घी का। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मोयन डालकर हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मोयन डालने के बाद हमारा आटा इस तरह से मुट्ठी में हो जाना चाहिए, ऐसा शेप आना चाहिए। उसके बाद मैं ये लुकवॉर्म वाटर डालकर आटा गूंद लेती हूँ। हमें 2 घट गूंदना है, सॉफ्ट नहीं बनाना है। मैंने एक बार मिक्स कर लिया है। अब इसमें दही डाल देती हूँ। दही से बहुत ही सॉफ्ट होएगी बाटी। अब हमारा ये बाटी का डो बन गया है, हम इसे तोड़ कर बाटी बना लेंगे। हमें डो घट रखना है, गीला नहीं रखना है। हमारी बाटी बन जाए जब तक हमने हमारा तंदूर ये प्री हीट होने रख दिया है। पहले हमें इसे प्री हीट करना है, बाद में इसे बाटी रखनी है। हमारी सारी बाटी बन गई है, अब हम ये प्री हीटेड तंदूर में रख देते हैं सारे। इस तरह से रख देंगे, और अब हम इसे धीमी मीडियम आंच पर सेकेंगे। ज्यादा फुल नहीं रखनी है आंच, फूल रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से जल जाएगी। हम इसे ढककर मीडियम आंच पर सेकेंगे। एक साइड हमारी बाटी बन रही है, एक साइड दाल पक रही है। दाल हो जाए जब तक मैं तड़का लगा लेती हूँ दाल का। तो इसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून, 2 मीडियम साइज टोमेटो लिए जो चॉप कर लिए फाइनली, 1 मीडियम साइज अनियन और 2 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च और कुछ करी लीव्स, कड़ी पत्ता ले लिए। दाल हम घी में तड़का लगाएंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून घी ले लिया है मैंने। ये गर्म हो जाए इसके बाद इसमें मैं थोड़ी राई डालूंगी, 1/2 स्पून जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली और करी लीव्स। ग्रीन चिलीज को दोनों पकाना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इस
तरह पकाने से ज़्यादा तीखी भी नहीं लगेगी मिर्ची। अब हम इसमें दो ड्राई रेड चिली डाल देते हैं और अनियन, को हमें ब्राउन नहीं होने देना है, ट्रांसपेरेंट हो जाए जब तक पकाना है। आप चाहे तो इसका तड़का तेल में भी लगा सकते हो, बट मैंने घी से लगाया, घी से दाल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें कलर हो गया, अनियन सारे मसाले डाल देती हूँ। नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि दाल में भी पहले डालना है। 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 2 स्पून रेड चिली पाउडर, ये टमाटर अच्छे मैशी हो जाए जब तक हमें पकाना है। हमारे टमाटर अच्छे मैशी हो गए हैं, मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। तड़का बन गया है, दाल भी बन गई है। अच्छे से कोट लेते हैं इस तरह से। अभी तड़का इसमें डाल देती हूँ। एक बार फिर इसे उबाल लेते हैं। इस तरह से हमारी दाल बन गई है। अब इसे 5 मिनट के लिए थोड़ा देर उबाल लेती हूँ। हमारी दाल में उबाल आ गया है, अब मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं इनको, पलटाते रहना है बीच बीच में। ब्राउन हो गई है, मैं गैस ऑफ कर लेती हूँ। इसे बॉल में ले लेती हूँ। आप ध्यान से लीजिएगा, बहुत ही गर्म होता है ये। अब हम इन गर्म बाटी पे घी डाल देते हैं। गर्म गर्म बाटी पे घी डालिएगा आप भी, अच्छे से सोक कर लेगी गरम बाटी। ऐसे ही डालना है। हमारी बाटी में क्रैक्स आया है, इसका मतलब ये बाटी बहुत अच्छी बनी है। परफेक्ट बाटी में हमेशा क्रैक आएगी। अब मैं बना रही हूँ चूरमा। चूरमे के लिए मैंने बाटी ले ली है और ये पीसी हुई शक्कर। शक्कर आप आपके मीठा जैसे मीठा खाते हो उसके अनुसार लीजिए। और कुछ बादाम लिए मैंने जो लंबी काट ली है, और इलायची पाउडर। तो सबसे पहले मैं ये बाटी को तोड़कर पीस लूंगी। मैं इसे पीस लेती हूँ। हमारा ये इस तरह से पीस गया है अच्छे से। अब इस पर चूरमा बना लेती हूँ मैं। एक कढ़ाई में घी ले लेती हूँ। मैंने 3 टेबल स्पून घी ले लिया है। थोड़ा हल्का गर्म हो जाए फिर ये पिसा हुआ बाटी इसमें डाल देती हूँ।
सेकंड के लिए ऐसे चला लेना है। मॉइस्चर निकल जाए जब तक हमें सेकना है, लगभग ये 5 मिनट लेगा मॉइस्चर निकलने के लिए। इसे लगातार चलाते रहना वरना नीचे से चिपक जाएगा। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ, बादाम डाल देती हूँ, शक्कर हमें अभी नहीं डालनी है, थोड़ा ठंडा हो जाए बाद में डालना है, वरना ये चूरमा कड़क बन जाएगा। ये ठंडा हो चुका है, मैं इसमें शुगर पाउडर डाल देती हूँ। अब मीठा आपके टेस्ट के अनुसार डालिए, तो उसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ये हमारा चूरमा बनकर रेडी हो गया है। ये हमारी राजस्थानी डिश दाल बाटी चूरमा बनकर रेडी हो गई है। और जो घी को लेकर हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए मैं पापना बाटी मैं नेक्स्ट अपडेट में बताऊंगी, तो इसलिए आप बेल आइकन करना ना भूलें। मेरी दाल बाटी कैसी बनी है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना।